एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं। जनरल लिखा है कि एयर पॉल्यूशन क्या होते हैं। स्मोक कैस्टर जो कि चिमनियाँ जो होती है फैक्ट्रीज की, जहाँ से हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, और कुछ गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ये हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, तो इस पर कंट्रोल कैसा किया जाए, तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर, ठीक है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर क्या होता है, ये कुछ इस तरह का होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके पास इस तरह का एक चेंबर होता है। ये चेंबर में इस डायरेक्शन में जो फैक्ट्री से आने वाली ये जो हार्म जो प्लांट है उसमें से निकलने वाला धुआं होता है, ये जो ऊपर की प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, और यहाँ एक पर्टिकुलर प्लेट लगाई जाती है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने पॉजिटिव कर दिया, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इस पट्टी पे नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ से आते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, यही हमारा प्रिसिपिटर है, ठीक है। बाद में ये निकाल लिया जाता है और इसे साफ किया जाता है और जो क्लीन एयर है यहाँ से हमें मिल जाती है, यही प्रिसिपिटर के बारे में एनसीईआरटी लिखता है। देखते हैं प्रिसिपिटर, इट वाज रिमूव 99% पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन दी एयर, ठीक है। ये थर्मल प्लांट के पास लगाए जाते हैं, जनरली इसमें हम कोरोना डेवलप करते हैं। कोरोना, एक्चुअल में कोरोना क्या होता है, हमने बात की थी निगेटिव प्लेट की, याद आ रहा है, निगेटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट प्लेट से जब डस्ट के पार्टिकल जा रहे थे वो निगेटिवली चार्ज हो रहे थे और पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। एक्चुअली कोरोना क्या होता है, जब हम हाई वोल्टेज किसी मीडियम से गुजारते हैं तो बीच में जो एयर की कैपेसिटी है वो 32 kb है। अगर इससे ज़्यादा एयर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो, जैसे कि ये मैंने ये एक केबल लगा दिया, ये केबल जैसे कॉपर का है, इसकी कैपेसिटी इसमें से अगर मैं 32 kb पास करता हूँ तो ये एयर की फील्ड में इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से रन करती है, थोड़ा बहुत एरिया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ले लेती है, समझ में आ गया। एक्चुअल में मेरा जो केबल है वो यहाँ है और यहाँ पूरे सराउंडिंग में एयर है, लेकिन फिर भी एयर में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस आता है, इसे ही हम कोरोना कहते हैं, ठीक है। मैथ वाले काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। ये जो ऑपरेटर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर, इसमें से हम काफ़ी लो वेलोसिटी से हम एयर को पास करते हैं, ठीक है, और डस्ट को फॉल ऑफ होने देते हैं, और बाद में स्क्रबर हम गैसेस वगैरह से डस्ट वगैरह और गैसेस वगैरह को प्यूरीफाई कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे गैसेस को हम पहले क्लियर करते हैं इससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक प्रिसिपिटर से, ठीक है। ये अंडर में आता है कंट्रोल पॉलिनेशन कंट्रोल बोर्ड की, सेंट्रल पॉलिनेशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर में आता है। इसके हिसाब से पार्टिकुलेट साइज जो है 2.5 माइक्रोन से कम ना हो, अगर 2.5 माइक्रोन से अगर ये कम होता है, इसका ppm पार्ट्स पर मिलियन 2.5 सॉरी pm अगर 2.5 से कम होता है तो ये जो है हमारे लंग्स में जाके काफ़ी भयानक बीमारी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रो स्टेटिक से प्रेसिपिटर से क्वेश्चन बन सकता है, कोरोना से क्वेश्चन बन सकता है, हाई वोल्टेज देते हैं या लो वोल्टेज देते हैं, तो इसमें हम हाई वोल्टेज देते हैं, ठीक है। आगे इसमें हम कौन सी गैस पास कराते हैं, जनरली हमारा ज़्यादा जोर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड से होता है और हम इसमें से गैस जो है वो लो वेलोसिटी से पास कराते हैं, ठीक है। पार्टिकुलेट साइज भी इंपॉर्टेंट है। उस स्टूडेंट इससे रिलेटेड मुझे कोई भी क्वेश्चन मिला, ये क्वेश्चन 2016 में भी नहीं आए थे, 17 में भी नहीं आए, 18 भी नहीं आए थे और 19 में भी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2013 की नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ओवरऑल ये अनटच टॉपिक है, आपको इससे क्वेश्चन आ सकते हैं।